हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ये जो टर्म्स आपको दे रखी हैं, इनमें कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है 12x 36। तो दो हैं यहाँ पे टर्म्स, तो बारी बारी से पहले इनके जो फैक्टर्स हैं वो हम निकालेंगे। तो 12x के जब फैक्टर्स निकालेंगे, तो पहले जो नंबर पार्ट है ना, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ये 6 पे जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, और ये 3 से जाके 1 आ गया। तो 12x को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और इंटू में यहाँ पे ये x भी है, वेरिएबल x। इसी तरह से 36 का, 36 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 36 को 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड होता है, तो 18 आ गया, 2 से करेंगे तो ये 9 आ गया, इसे 3 से करेंगे तो 3 आ गया, और ये 3 से जाकर 1 आ गया। तो 36 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3। अब इनमें हम ये देखेंगे कि दोनों में ऐसे कौन से हैं फैक्टर्स जो दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। देखिए यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तो जब दोनों कॉमन है उनमें से एक बाहर आएगा, तो ये 2 का पेयर बन गया, तो एक 2 इन दोनों में है। इसी तरह से ये वाला, ये भी दोनों में है, तो एक 2 यहाँ से आ गया। यहाँ पे अब 3 देखते हैं, तो 3 का पेयर बन रहा है, ये 3 दोनों में है तो यहाँ पे आ गया। बस अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका पेयर बन रहा हो जो दोनों में कॉमन हो। इनका प्रोडक्ट कर देंगे, वही होगा आपका कॉमन फैक्टर। 4 × 4 = 12। तो 12x और 36 दोनों का कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों, अगर हम इसको 12x को 12 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ है 2y और दूसरा है 22xy। अब 2y के फैक्टर सिंपली 2 × y होंगे, और 22 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 पे जाके 11 आ जाएगा, और 11 11 से ही होता है, तो 2 × 11 हो गया। आगे x और y भी हैं, तो इंटू में x और इंटू में y। अब देखते हैं कौन चीज इनके अंदर कॉमन है। तो यहां मैंने देखा 2 कॉमन है तो 2 ले लिया, इसके बाद नंबर तो कोई कॉमन है नहीं, ये y और y कॉमन है दोनों में, तो यहां से एक y ले लिया, तो इसका जो कॉमन फैक्टर बनता है ये 2y हो गया। थर्ड पार्ट पे देखें, ये है 14PQ और दूसरा है 28P²Q². 14 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 14 2 से जाके 7 आ गया, 7 जाकर 1 आ गया, तो 14 को हम 2 × 7 लिख सकते हैं, और आगे P और Q भी है, तो इंटू में P इंटू में Q। इसी तरह से 28 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 28 ये 2 से डिवाइड होगा, तो 14 आ गया, 14 2 से डिवाइड होकर 7 आ गया, 7 खुद से डिवाइड होकर 1 आ गया, तो ये 28 के प्राइम फैक्टर्स हुए। और आगे P²Q², यानी P को दो बार लिखना है मल्टीप्लाई में, और Q को भी दो बार लिखना है मल्टीप्लाई में। अब इनमें से कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखिए दोनों में एक 2 है, तो एक तो 2 कॉमन आ गया, दोनों में नंबर 7 है, ये 7 आ गया। अब नंबर नंबर तो कुछ कॉमन है नहीं, वेरिएबल पे देखते हैं, यहाँ P है, यहाँ भी P है, तो इंटू में P आ गया, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, तो दोनों में Q भी है, तो इंटू में Q आ गया। अब और कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 × 7 = 14 हो गया, और P × Q PQ हो गया, ये इसके कॉमन, ये इसका कॉमन फैक्टर आ गया। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3 टर्म्स है इसमें, 2x है, 3x का स्क्वायर है, और 4 है। 2x के सिंपली फैक्टर्स करेंगे तो 2 × x हो गया, यहां पे 3 का 3 हो गया, और x दो बार है, तो × x × x। 4 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 2 × 2। अब कुछ कॉमन देखते हैं। देखिए नंबर नंबर यहाँ पर किसी में भी कोई भी चीज़ सेम नहीं है, और यहाँ पर x है 2 में, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो इन तीनों में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 तो होता है ना, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 ही इसके अंदर इनका कॉमन फैक्टर है। फिफ्थ पार्ट पे देखें, 6ABC, दूसरी टर्म है 24AB², तीसरी टर्म है 12A²B। 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे सिंपली, तो ये 2 × 3 = 6 होता है,
और ए बी सी है तो इंटू ए इंटू बी इंटू सी। इसी तरह 24 के पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 3 से करेंगे 1 आ गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 24 के प्राइम फैक्टर्स हुए। आगे एक बार ए है और बी स्क्वायर है, यानी कि दो बार बी है। 12 पे चलते हैं, 12 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ 24 में से देख लेते हैं, ये सारे 12 के हैं नीचे नीचे के, 2 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये तो हो गया 12। ए स्क्वायर यानी ए को दो बार लिखना है और बी अकेला है इंटू बी। ये सारे प्राइम फैक्टर्स खोल दिए हैं, अब इनमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन फैक्टर इसमें हो जाएगा, मुझे दिख रहा है कि तीनों के अंदर ये 2 है, तो यहां से एक 2 आ गया। अब ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में हो, तो 2 तो है नहीं, लेकिन ये 3 3 और 3, ये 3 तीनों के अंदर है, तो यहां से एक 3 आ गया। नंबर तो कुछ बचा नहीं, वेरिएबल देखते हैं, ए ए और ये ए, तो एक ए बी है जो इन तीनों में है। अब यहां तो ए है नहीं, यहां बी है, बी है और यहां पर भी बी है, तो तीनों में एक बी बी है, तो ये बी हो गया इनटू में। अब और कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है यहां पे, बस इनका प्रोडक्ट कर देंगे, 3 2 6 हो गया, ए इंटू बी ए बी हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सिक्स पार्ट। सिक्स में भी आपके तीन टर्म्स हैं, तीनों के बारी बारी प्राइम फैक्टर्स करेंगे। पहले 16x³ -4x² और 32x। 16 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से जाएगा 8 आएगा, 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा 1 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 16 के पीएफ हो गए। आगे एक्स क्यूब है, यानी तीन बार एक्स लिखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, -4। अब -4 में -1 तो है ही, जो इसको माइनस बना रहा है, और 4 के प्राइम फैक्टर्स जब करेंगे तो ये 2 इंटू 2 होता है, और एक्स स्क्वायर यानी दो बार एक्स लिखना है मल्टीप्लाई में। 32 पे चलते हैं, 32 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से जाएगा 16 आएगा, 2 से जाएगा 8 आएगा, 2 से जाएगा 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा 1 आएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करने से 32 बनता है। आगे एक्स है तो इंटू में एक्स। अब यहां से कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है। देखिए ये 2 है, 2 है, 2 है, एक 2 इनमें है, और देखें ये 2, ये 2 और ये वाला 2, ये 2 भी कॉमन आ गया, और देखें तो इनमें इसमें 2 नहीं है। अब यहां पे तो है, लेकिन तीनों में होना चाहिए ना, क्योंकि तीन नंबर है, तो नंबर नंबर तो अब इसमें खत्म। अब वेरिएबल देखें, एक एक्स है, एक एक्स है, एक एक्स है, तो ये एक्स तीनों के अंदर है, तो यहां से ये x भी कॉमन हो गया। अब x भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहां का x खत्म हो गया, तो यही इसका कॉमन फैक्टर है, 2 2 4 और ये x। सेवन पार्ट देखते हैं, सेवन पार्ट के अंदर तीन टर्म्स हैं, टेन पी क्यू, 20 QR और 30 RP। अब 10 के प्राइम फैक्टर सिंपली होते हैं 2 5 10, और पी क्यू है तो पी इंटू क्यू। 20 20 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 से करेंगे तो यहाँ 10 आ गया, 2 से करेंगे तो 5 आ गया, 5 से करेंगे तो 1 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5। आगे क्यू और आर है तो इंटू में क्यू इंटू में आर। 30 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ये 2 पे जाएगा तो 15 आ गया, 15 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 आ गया, 5 5 से जाकर 1 आ गया, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, और आगे आर पी है, इंटू में आर इंटू में पी। प्राइम फैक्टर्स निकलने के बाद अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या क्या है। तो 2 2 और 2, ये 1 2 तीनों में है, तो यहां से 2 बाहर आ गया। अब 5 दिख रहा है मेरे को, 5 5 और ये 5, ये 5 भी तीनों में है, यहां से 5 आ गया। वेरिएबल पे देखूं, नंबर तो खत्म हो गया, अब कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा। वेरिएबल देखें, यहाँ पी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ क्यू है, दोनों में, यहाँ नहीं है, यहाँ आर दो में है, यहाँ नहीं है, तो वेरिएबल इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो
तो सिंपली आपका जो कॉमन फैक्टर आया ये 2 5 10 आ गया। लास्ट पार्ट देखें, इसमें तीन टर्म्स हैं। पहली है 3x² y³, नेक्स्ट 10x³ y² और 6x² y² और ये z। 3 के पीएफ करेंगे तो सिंपली ये 3 ही आएगा। आगे x दो बार है तो x को दो बार लिख लिया मल्टीप्लाई में, इंटू में y³ यानी 3 बार y इंटू y इंटू y। 10 के प्राइम फैक्टर सिंपली 2 5 10 होता है, x 3 टाइम्स है सॉरी क्यूब है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और y² है तो इंटू में y इंटू में y। यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर सिंपली 2 3 6 होता है, और x² तो x को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, y² तो y को यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और z अकेला है तो इंटू में z। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ से कॉमन देखेंगे कि क्या क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ सिर्फ नंबर 3 है, और यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पर 1 3 है, तो तीनों में तो 3 नहीं है। अगर तीन टर्म्स है तो फिर तीनों में ही कॉमन आना चाहिए, तो यहाँ 3 नहीं है। अब बाकी कोई नंबर है नहीं जो सेम सेम हो, तो वेरिएबल पे ध्यान देते हैं। एक्स एक्स और एक्स, ये एक्स तीनों में है तो यहाँ से एक्स आ गया कॉमन। दूसरा एक्स भी दिख रहा है मेरे को, एक्स एक्स और ये एक्स, ये भी तीनों में कॉमन है तो ये एक्स आ गया। अब एक्स तीनों में कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स खत्म हो गया, वाई कॉमन है, वाई वाई और ये वाई इंटू में वाई, दूसरा वाई भी है, ये वाई और ये वाई, तो यहाँ से ये वाई कॉमन आ गया। अब और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा इसके अंदर, बस इन्हीं का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, वाई इंटू वाई, वाई का स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।